ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो हमारी मेन सेशन 2D के अंदर आज 32वीं क्लास है। 31वीं क्लास के अंदर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे यानी चतुर्भुज, तो आज हमारी चतुर्भुज की दूसरी क्लास है। ठीक है, कल तक हमने एक क्लास को कंप्लीट कर लिया था। देखो कल तक हमने 3 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, आज हमारा चौथा पॉइंट है। देखो एक बार आपका चौथा पॉइंट स्टार्ट है, एक बार देखो सामने ध्यान दे। ये क्या मैंने पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट क्या मान लिया बी, ये पॉइंट क्या मान लिया सी, और ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने डी मान लिया। ठीक है, इस पॉइंट का मैंने मान लिया डी। इसका मिड पॉइंट क्या है बताओ, एम मान लिया। इसका मिड पॉइंट क्या है, एन मान लिया। इसका मिड पॉइंट क्या है मैंने पी मान लिया। इसका मिड पॉइंट क्या है क्यू मान लिया। मैंने कितने मिड पॉइंट मान लिए बताओ, मैंने 4 मिड पॉइंट मान लिए। कितने मिड पॉइंट माने, 4। ठीक है, आगे ध्यान देना इस पर आप। देखो एक बार, इसको मैंने किससे मिलाया, एम पॉइंट को मिलाया मैंने डी से। किससे मिला दिया मैंने, एम पॉइंट को किससे मिला दिया, डी से मिला दिया। और इस पॉइंट को मैंने किससे मिला दिया, बी से मिला दिया। मिला दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इस मिड पॉइंट को मैंने किससे मिलाया, एन से मिला दिया। ठीक है, और इस मिड पॉइंट को मैंने किससे मिलाया, इसके सामने वाले सिर से मिला दिया। मिला दिया, अब आप आगे देखना, इस वाले को देखना, इस वाले मिड पॉइंट को, इसको मैंने मिला दिया किससे, क्यू से मिला दिया। इस वाले मिड पॉइंट को मैंने, इस वाले मिड पॉइंट को मैंने किससे मिला दिया, बी से मिला दिया। यानी बी जो है सीट से, यहाँ पर इसको मिड पॉइंट क्यू से मिला दिया। मिला दिया, अब हम आगे क्या करेंगे, इस वाले को देखना, इस वाले को मैंने किससे मिला दिया, क्यू से मिला दिया। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। आप ये देखना इसमें कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, 2। ध्यान से देखना, ये वाला चतुर्भुज जो है, इस चतुर्भुज का एरिया देखना, ये वाला। इसका ये क्या बन रहा है, देखो बी एम डी और एन, बी एम डी और एन। का एरिया किसका होता है, ये ए बी सी डी के एरिया का आधा होता है। चतुर्भुज ए बी सी डी का जो एरिया होगा उसका क्या होता है, चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया का क्या हो गया, आधा होता है। जो बी एम डी एन है ना, ये वाला, ये वाला, इसका एरिया का क्या होता है, इसका जो एरिया होता है ना, ये वाला बी एम डी एन का एरिया जो है, दिख रहा है आपको बी एम डी एन का एरिया, इसका क्या होता है, आधा होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और जो ये है ना, ये जो है बी क्यू और बी क्यू, और ये क्या है डी पी, बी क्यू और ये क्या है डी पी, इसका एरिया देखो, चतुर्भुज बी क्यू और डी पी का जो एरिया होता है वो भी क्या होता है बताओ, 1/2 चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया का आधा होता है। ये दो बात आपको समझ में आ गई, एक बार हम इनको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना आप, सबसे पहला देखना आप, ये क्या है, देखना ये नाम क्या माना मैंने, ए माना, ये क्या मान लिया बी मान लिया, ये क्या माना और ये क्या है डी। इसका मिड पॉइंट क्या था, एम था, है ना, और इसका मिड पॉइंट क्या था, एन था। इसको आपने किससे मिलाया, इस वाले मिड पॉइंट को किससे मिला दिया, ठीक है, इसको किससे मिलाया, इस वाले मिड पॉइंट को, सॉरी इस वाले को किससे मिला दिया, इससे मिला दिया। अपन ने गलती क्या की थी पता है, इसको किससे मिलाया था, इससे मिला दिया था ना। अब देखना, इस वाले सीड्स को हमने इस वाले मिड पॉइंट से
इस वाले शीर्ष को सामने है ये, इस वाले शीर्ष को इस मिड पॉइंट से। तो अब आप देखना हमको क्या है, बी एम डी एल का एरिया ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुनना, आप मेरी बात याद रखना कि आप इसको किससे मिला सकते हैं, इस वाले को आप इससे मिला दो, मिला सकते हैं कैसे, ऐसे मिला सकते हैं क्या आप भाई, ये वाला आपने इसको इससे मिला दिया, क्यों, क्योंकि हमारी माध्यिका बन जाएगी, तो इसका एरिया एक्स, इसका एरिया भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका का काम कर रही है ना। और आप देखना इस वाले इसमें त्रिभुज में देखना, ये वाला किसका काम कर रही है, माध्यिका का काम कर रही है, ये वाली, ये जो साइड है ये वाली माध्यिका का काम कर रही है ना, तो इसको वाई मान लो, इसको भी क्या मान लो, वाई। तो आप देखना सारे इसका एरिया जोड़ना, चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया जोड़ो आप का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स और एक्स दो एक्स, वाई और वाई दो वाई, तो दो एक्स प्लस में क्या जाएगा, दो वाई। तो ये चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया क्या जाएगा बताओ, यह जाएगा टू इंटू एक्स प्लस में वाई। बात आ गई, इसको समीकरण नंबर एक मान सकते हैं इसको आप। अब आप देखना इस वाले का बी एम डी एन का एरिया, चतुर्भुज बी एम डी एन का एरिया क्या होगा बताओ, का एरिया क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई तो हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, दो। समीकरण एक में दो से क्या हो गया, क्या पता लग गया आपको, जो बी एम डी एन का एरिया है ना चतुर्भुज किसका, बी एम डी एन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक बटा दो चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी, यही हमने क्या किया है प्रूफ। तो हमने पहले वाले को, पहले इस पॉइंट को क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया है, पहले वाली बात को हमने क्या कर दिया, पहली वाली बात को हमने क्या किया है, प्रूफ कर दिया। बात समझ में आ गई कि ना, कि ये बताओ पहले भाई, चतुर्भुज बी एम डी एन का एरिया जो होगा वो एक बटा दो चतुर्भुज ए बी सी डी के एरिया के क्या होगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है ना, इसको पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप। अब देखो इस सेकंड वाले को कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड वाले को देखना, ये तो बी पॉइंट था ना आपने, है ना, इसको किससे मिलाया आपकी बार, आपकी बार आपने इसको इससे मिलाया था ना, अगर इसको इससे मिलाओ, मिला दिया है, और इसके बाद इसको वाले को किससे मिलाना है आपको, इससे मिला दिया, कर दिया आपने काम। अब आप देखना इस वाले को आप इससे मिला दो, इसमें आपने क्या किया, इसको समद्विभाजक कर दिया आपने, इसको यानी माध्यिका बना दिया आपने, तो इसका एरिया x, इसका एरिया x, इसका y, तो इसका भी क्या हो जाएगा y। अब क्या करेंगे हम, चतुर्भुज किसका एरिया निकाल रहे हैं आपकी बार, b, ये क्या है यहाँ पर p, और ये क्या है यहाँ पर q, तो ये क्या है bq और dp, bq dp का क्षेत्रफल निकाल लो, एरिया निकाल लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, x और x 2x प्लस 2y, यानी 2x प्लस y आ जाएगा ना भाई, x और x 2x, y और y 2y, तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस y बच जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गई है, 3 आ गई है ना। अब समीकरण नंबर 4 में देखना आप, सॉरी ये तो पूरा ABCD का है ना, तो ये तो पूरा ABCD का है अभी, अब किसका निकालो, BQDP का चतुर्भुज PQDP का एरिया, ये क्या जाएगा, x और y आ जाएगा ना, देखो ये वाले की बात चल रही है, वाले की, ये वाले की b q dp का एरिया जाएगा x प्लस y, बस समीकरण नंबर 4 आ गई। समीकरण 3 और 4 को क्या कर लो, समीकरण 3 और 4 से क्या कर लो आप इसका एरिया देखो, इसका आधा है कि नहीं है, इसका एरिया इसका आधा है ना, देखो कैसे है, चतुर्भुज बी क्यू डी पी का एरिया जो है वो इसके एरिया का क्या आ रहा है, क्षेत्रफल जो है वो किसका एरिया का आधा है बताओ, एक बटा दो चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया का क्या है बताओ,
आधा है ना ये, तो इस बात को भी हमने क्या कर लिया, इस बात को हमने क्या कर लिया बताओ, इससे प्रूफ कर लिया ना। ये बात भी आप क्या कर सकते हैं, नॉट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है कैसे आया है? अब मेरी बात को ध्यान से समझना आप, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर ध्यान देना। ये मैंने मान लिया इसको A1, क्या मान लिया मैंने इसको A1 मान लिया, और इसको क्या मान लिया A2 मान लिया। यानी जो इधर जो त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, इसके इसके मैंने A2 मान लिया, इसको मैंने मान लिया A3, और इसको क्या मान लिया A4। समझ में आ गई ना बात, A1 A2 A3 A4, और इसको बीच में जो क्षेत्रफल है इसको मैंने मान लिया x। अभी मैंने आप बताओ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ध्यान से सुना, बी एम और डी एन का एरिया पढ़ाया था ना आपको, ये वाला पढ़ाया था ना, ये वाला। तो देखना चतुर्भुज बी एम डी एन का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर पढ़ाया था ना, बी क्यू और डी पी के बराबर, भाई सेम आया था दोनों का एरिया, बी क्यू डी पी का क्षेत्रफल सेम ही आया था ना ये। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ ध्यान देना आप, इसका एरिया देखो यहाँ पर क्या है, और इसका एरिया देखो यहाँ पर क्या है, बराबर है ना दोनों का एरिया। क्यों बराबर है, क्योंकि वही आया था जब हमने बी एम डी एन का निकाला था, चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया का आधा आया था, और ये निकाला तो ये भी एरिया आधा आया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो सकते हैं ना, दोनों एरिया बी क्यू डी एन, बी एम डी एन और बी क्यू डी पी का एरिया बराबर हो जाएगा। अब आप इसका बी एम डी एन का एरिया देखो क्या है, ए फोर ए थ्री प्लस ए फोर प्लस में क्या है एक्स बराबर, इसका एरिया क्या है ए वन प्लस एक्स प्लस में ए टू, यही है ना, एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये एरिया क्या हो जाएगा ए थ्री प्लस में ए फोर और ए वन प्लस में ए टू। ये जो बात निकल कर आई है ना ये वहीं से आई है, ये हमारा फोर्थ नंबर कंप्लीट होता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी ए वन प्लस ए टू ए थ्री प्लस ए फोर के बराबर होगा, कैसे होगा ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है, ठीक है ना। हमारा चौथा पॉइंट क्या है, ए थ्री प्लस ए फोर बराबर ए वन प्लस ए टू। आपको क्या करेगा सवाल के अंदर, इसको पांच दे देगा, इसको आपको क्या कर देगा तीन दे देगा, है ना, और इसको क्या करेगा आठ दे देगा, है ना, और इसको क्या करेगा सात, सात दे सकता है। तो आप सबका एरिया जोड़ना और आप बताओ इस ए फोर का एरिया आ जाएगा कि नहीं जाएगा, आ जाएगा ना ए फोर का एरिया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ तक चार पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, अब हमारा है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है ध्यान से सुनना, ये पॉइंट क्या माना मैंने ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या है डी। ये पॉइंट क्या है मिड पॉइंट है एम, ये मिड पॉइंट है क्या है एन, मिड पॉइंट है क्या है ओ या पी, इसको क्या मान सकते हैं क्यू। इतनी बात क्लियर है ना आपको, ये मिड पॉइंट में कैसे मान रहा हूँ, समझ में आ रही है ना बात, नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से सुनना, आपने क्या किया था इस वाले मिड पॉइंट को देखना, आपने किससे मिलाया था, और इसको देखना आपने किससे मिलाया, इससे मिला दिया, ठीक है। इस वाले को देखना आप, इसको देखना, इसको किससे मिला सकता हूं मैं, दूसरा क्या था बी क्यू, ये तो ये बी है और ये क्या है क्यू है, ये बी है और ये क्या है क्यों है। बी को अगर मैं क्यों से मिलाऊं, दो मिनट के लिए ध्यान से सुनना, है ना, बी क्यों और इसको मैं इससे मिलाऊं तो ये एक पहले वाला चित्र बन जाएगा। मान के चलना मैं इसको यहां पर नहीं मिलाकर क्या कर रहा हूं, आप चित्र को देखना, मैंने क्या किया इस वाले के मध्य बिंदु को, इस वाले मध्य बिंदु को मैंने किससे मिला दिया,
और इस वाले को देखना मैं इसको किससे मिला रहा हूँ, इसको मिला दिया मैंने इससे, यानी इस वाले शीर्ष को मैंने इसके सामने वाले मध्य बिंदु से मिला दिया और इस वाले मध्य बिंदु को मैंने उस वाले शीर्ष से मिला दिया। अगर ऐसा हो तो अब देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और ये 9, 9 भाग बन रहे हैं उसमें। पहले वाले में कितने बन रहे थे? 7 बन रहे थे। वही चित्र आ गया। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना, कैसे करेंगे इसको। इसका मैंने मान लिया, मान के चलना, ये दो चित्र बन रहे हैं बी एम डी एन। एक तो बन रहा है इसमें चतुर्भुज बी एम डी एन और एक चतुर्भुज बन रहा है इसमें ए पी या पी ए, चतुर्भुज पी ए, क्यों सी। आप इस दोनों का एरिया बताओ, इन दोनों का एरिया जो होगा वो चतुर्भुज एबीसीडी के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ। चतुर्भुज एबीसीडी के बराबर हो सकता है नहीं हो सकता, हाँ या ना ये बताओ पहले तो। क्योंकि एबीसीडी का ये भी आधा होता है और ये भी एबीसीडी का आधा होता है, तो आधा आधा पूरा चतुर्भुज एबीसीडी के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, आप इसको एस वन मान लो, इसको आप एस टू मान लो, इसको आप एस थ्री मान लो और इसको आप एस फोर मान लो, इसको आप x मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो और इसको d मान लो। अब आप सबको जोड़ो चतुर्भुज ABCD BMDN का, देखना क्या है BMDN का, तो यही है ना, बताओ BMDN का यही है ना, क्या है ये S1 प्लस में x प्लस में क्या है, और चतुर्भुज PAQC का कितना है S4 प्लस S3 और प्लस में क्या है एक्स बराबर। चतुर्भुज एबीसीडी में सारे जोड़ दो आप, जो भी है क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस एस वन प्लस एस फोर प्लस एक्स प्लस में एस थ्री और प्लस में क्या है सी प्लस में एस टू प्लस में क्या है डी, यही आ जाएगा। अब देखो एस फोर से क्या काटो आप, एस फोर, एस वन से क्या काटो एस वन, और x से क्या काटो x, s2 से क्या काटो s2, फिर x से क्या काटो, नहीं कट रहा c कट रहा, और क्या कट रहा है भाई, s1 s2 काट दिया, s1 s2 काट दिया, s3 s4 काट दिया, s3 को s3 से काट दो, और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है, x बच रहा है इधर, x बराबर इधर क्या बच रहा है ए बी सी डी, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान के चलना आपको इसका एरिया पता करना है इसका, तो क्या कर सकते हैं ए बी सी और इस डी का एरिया आप कर सकते हैं, तो इसमें एक्स का मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बताओ। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से, यहाँ से अभी मैंने आपको बताया चित्र आप कैसा भी बना लो, चित्र आप कैसा भी बना लो। अब आप एक बार बताना मुझे, यहाँ से इस वाले का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, S1 प्लस में X प्लस में S2 बराबर, और ये देखना आप, ये देखना आप, ये वाला, ये क्या होगा, इसके चतुर्भुज के बराबर होगा S4 प्लस में X प्लस में S3, एक्स एक्स कट जाएगा, तो एस वन प्लस में एस टू और एस थ्री प्लस में एस फोर, बताओ ये जो एरिया है इसके बराबर आ जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ में आ गई, बात नहीं आई, पता लग गया ना क्यों, ऐसा क्यों होता है। अगर इस एक्स का मान निकालेंगे तो ए बी सी और डी के बराबर आ जाएगा। अगर मान लो आप एस वन और एस टू का जो एरिया है वो एस थ्री और एस फोर का आ जाएगा। इससे पहले मैंने ए वन ए टू लिया था, वहां पर नहीं लिया था, दोनों तरीके समझ में आ गए ना आपको। ये अगर चित्र छः बन रहे हो, सात, अगर इसमें सात पार्ट हो रहे हैं तो भी आ जाएगा, और नौ पार्ट हो रहे हैं तो भी इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया में कोई फर्क नहीं आया ना, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक हमारा चतुर्भुज कंप्लीट हो चुका है, आगे हम ट्रेपेजियम, रोम्बस और तीसरा क्या है, तीसरा है पैरेललोग्राम, ये पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर लिया है, यानी चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज कंप्लीट हुआ है। अब हम चतुर्भुज के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक।
क्लियर है ना। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।